रिव्यू करना आसान काम नहीं है। लगातार कचरा देखने से दिमाग का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मैंने ये मूवी देखी। सच में लव स्टोरी के ऊपर से मेरा विश्वास उठता चला जा रहा है। तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बम फाड़ मूवी के बारे में, जिससे एक पटाखा भी ना फूटे और नाम रखा है बम फाड़। डायरेक्ट किया रंजन चंदेल ने। इसके अंदर कास्ट है आदित्य रावल, शालिनी पांडे, विजय वर्मा और बाकी अन्य कलाकार। अब कहानी की बात करें तो एक लड़का है नासिर जमाल, जिसे प्ले किया है आदित्य रावल ने, तो उसे इस मूवी में बहुत बिगड़ा हुआ दिखाया गया है कि वो किसी की भी नहीं सुनता और अपने मन की वो करता है। तो एक दिन बाय एक्सीडेंट वो लड़की से मिलता है। हाँ क्यों नहीं, उसके बिना कहानी थोड़ा आगे बढ़नी थी। और इसे पहली नज़र में इस लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की को भी कुछ टाइम बाद प्यार हो जाता है। तो एक गुंडा है ऑब्वियसली, जिसका नाम है जिगर फरीदी, जिसे प्ले किया है विजय वर्मा ने। तो ये लड़की नीलम, जो जिसे प्ले किया है शालिनी पांडे ने, तो ये इसकी जागीर होती है। मतलब कि इसको खरीदा हुआ होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है और ये लड़की के साथ रंगरेलियाँ उड़ाता है। सच में कहानी बताते हुए भी मुझे बोरियत महसूस हो रही है और देखना तो दूर की बात है यार। फिर अब लड़ाई होती है हीरो और विलन के बीच में लड़की को लेकर। हीरो लड़की को लेकर भाग जाता है लखनऊ। पीछे से लड़के की माँ मर जाती है। हाँ माँ की किसको पड़ी है, लड़की इंपॉर्टेंट है। लड़की को लेकर तो पूरे शहर को आग लगा देंगे। फिर कुछ टाइम बाद अपने शहर वापस आता है वो, क्योंकि जागीर फरीदी, पता नहीं यही नाम होगा यार, लड़की को ढूंढ लेता है, उसे वापस कैद कर लेता है। लड़का इसको बचाने आता है और बचा लेता है, वापस चले जाते हैं। बस यही कहानी है। मात्र 5 मिनट में ख़त्म होने वाली ये कहानी, इसको खींचा गया है 100 मिनट से भी ज़्यादा। एक्टिंग कुछ खास नहीं है, कहानी घिसी पिटी है, लोगों को गुमराह करने के लिए नाम बमफाड़ रखा गया है। सच में मैं इस पे रिव्यू भी वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं यहीं रोक रहा हूँ। इसको मैं देना चाहूँगा 1 आउट ऑफ 10 स्टार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।